नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का एनसीएम परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी के व्याकरण लेकर आया हूं, जो पार्ट 13 संधि। संधि शब्द का अर्थ होता है दो चीज़ों को जोड़ना, दो जो गुटों का, जब आपने देखा होगा इतिहास हिस्ट्री पढ़ी होगी, जब दो गुट आपस में झगड़ा करते हैं तब उनके बीच एक संधि, एक समझौता होता है, उस नियम के तहत दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। तो वही संधि हम पढ़ रहे हैं कि एक नियम के अनुसार ही हम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं और नियम के अनुसार ही परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है। तो वही हम आगे पढ़ते हैं कि संधि है क्या। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना है। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, जो सूर्योदय संधि है वह सूर्य और उदय से मिलकर बनी हुई है। पुस्तक धन आलय यानी पुस्तकालय, पुस्तक का अर्थ होता है किताब और आलय यानी होती है जगह जहाँ पर ये चीज़ें रखी जाती है। पुस्तकालय जहाँ पुस्तकों का घर या पुस्तकों को रखा गया है, यानी पुस्तकालय। धर्म धन आत्मा, धर्म होता है, रिलीजन होता है, और आत्मा, आत्मा यानी हमारे शरीर के अंदर जो हमें शरीर को संचालित कर रही है, तो धर्मात्मा, जिसकी आत्मा धर्म से जुड़ी हुई हो उसे धर्मात्मा कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में पहले शब्दों की अंतिम ध्वनियाँ दूसरे शब्दों की प्रथम ध्वनियों से मिलकर सूर्योदय, पुस्तकालय, धर्मात्मा का निर्माण कर रही है। ध्वनि परिवर्तित कहती यह प्रक्रिया संधि कहलाती है। ध्वनियों का परिवर्तन करना, ध्वनियों का आपस में जुड़ना और उसमें जुड़ने में जो विकार उत्पन्न होना, उन्हें ही संधि कहा जा सकता है, जो दो वर्णों को आपस में जोड़ती है। आगे पढ़ते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन विकार संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती यानी दोनों पास पास में निकटवर्ती वर्ण होते हैं, अ है, आ है, क है, क है, ये वर्णों के परस्पर मेल, उनके आपस में जो मेल, उनके जुड़ाव हो होने से जो परिवर्तन होता है, शब्दों में जो परिवर्तन होता है, जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्य और उदय इन दोनों में जो आपस में इन्हें जब जोड़ा गया सूर्य और उदय को, तो यो हो गया सूर्योदय, ठीक है ना। तो जो इसमें परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसे ही हम संधि कहते हैं। तो हमने संधि के बारे में समझा। अब संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, आइए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। संधि विच्छेद, अब संधि हमने पढ़ी है, अब संधि के बाद संधि विच्छेद, ये दोनों अलग है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विच्छेद, संधि विच्छेद का अर्थ होता है जो संधि के उसे अलग अलग विखंडित करना, ठीक है ना। तो ये सेम इसका जस्ट अपोजिट होता है। संधि करना है ना, दो शब्दों को हमने सूर्य धन उदय जोड़ा तो सूर्योदय हो गया। अब सूर्योदय को अगर हम अलग करेंगे, सूर्य धन उदय करेंगे, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। देखिए, आइए इसके उदाहरण दे रखे हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके पहली वाली स्थिति में रखने की विधि को संधि कहते हैं। पहली वाली स्थिति यानी सूर्य प्लस उदय, ठीक है ना, तो ये पहली वाली स्थिति है। संधि विच्छेद यानी किसी शब्द को, विद्यालय, विद्यालय एक शब्द है, अगर इसे हम विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आलय, तो उस प्रकार हमने विद्यालय को जिस प्रकार हमने विच्छेद किया तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण आपके सामने दे रखे हैं, संधि और संधि विच्छेद। देवेंद्र, देवेंद्र यानी ये एक शब्द है, एक संधि है, इसे विच्छेद करेंगे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र यानी देवेंद्र हो जाएगा। विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्यालय हो जाएगा। संधि के भेद है, संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, ये आ की मात्रा लग गई, आ की मात्रा नहीं है, यह है स्वर संधि, ठीक है। एक कंप्यूटर से यहाँ पर लाने में क्या कुछ शब्द बदल जाते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो इसलिए ऐसा होता है। कहीं कहीं तो देखा गया था कि एक लाइन की लाइन ही गायब हो जाती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसे ध्यान दीजिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है, तो आइए, स्वर संधि लिखा हुआ है, दो स्वरों के आपसी मेल से, सिर्फ ओनली स्वर, ठीक है, अ आ ई उ ए, ठीक है, ऋषि है, ए है, जो स्वर है, सिर्फ स्वर को ही गिना जाएगा, क ख ग ये व्यंजन होते हैं, इन्हें
नहीं गिना जाएगा। तो दो स्वर, दो स्वरों के आपसी मेल से उनमें जो परिवर्तन, जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, ठीक है ना, इसमें अ और अ जुड़ेगा तो धर्मार्थ। महाधन आनंद, तो आ ह के बाद अ है, आ की मात्रा लगी है और यह भी आ है तो महानंद हो गया। इस प्रकार इसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, स्वर संधि के पांच प्रकार की होती है, जिसमें दे रखा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है ना। तो स्वर संधि के ये पांच प्रकार होते हैं। आइए इन पांच प्रकारों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दे रखी है स्वर संधि का, पहली संधि दे रखी है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी इसमें आ आम का, ई इमली का जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ई ईख का, इमली नहीं ईख का। जब हस्व स्वर या दीर्घ स्वर, हस्व स्वर होते हैं अ ई उ जो छोटा ई इमली यह, और दीर्घ स्वर होते हैं आ आम का, ई ईख का, उ उल्लू का। तो अ ई उ के बाद क्रमशः हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अ ई उ स्वर आते हैं, तो मिलकर आ आम का, ई ईख का और उ ऊन का हो जाता है, ठीक है ना। इसमें परिवर्तन होता है कि इसमें बड़े या बड़े स्वर या बड़े हस्व दीर्घ स्वर का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने हम देखते हैं, दे रखा है अ प्लस अ बराबर आ, ठीक है ना। ये अ अनार का और अ अनार का, ये दोनों मिलेंगे तो भी आ ही होगा, परम धन अर्थ है ना, परमार्थ। अ अनार का और अ आम का मिलेंगे तब भी अ आम का ही होगा, बड़ा दीर्घ होगा, धर्म धन आत्मा। अ आम का और अ आम का ये जब ये मिलेंगे तो बड़ा आ ही होगा, कारा धन आवास, कारावास या बड़ी आ की मात्रा है और यहाँ आ की मात्रा है, तो इन मात्राओं का जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर भी कारावास होता है। आ प्लस आ, ई प्लस ई बड़ी ई होगा, रवि धन इंद्र तो यहाँ पर रविंद्र होगा, छोटी ई ठीक है, ई इमली और ई ई का मिलेगा तब भी बड़ी ई ही आएगी, मुनि धन इस मुनीस। ई बड़ी ई और बड़ी ई, ई इमली का ई ई सॉरी ई ईख और ई ईख मिलेंगे तो बड़ी ई होगी, नदी धन इस तो यहाँ पे बड़ी मात्रा नदीस का प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही उ और उ का प्रयोग किया जाएगा, दीर्घ संधि सबसे महत्वपूर्ण है। साधु प्लस उपदेश साधु उपदेश, विधु धन ऊर्जा विधु ऊर्जा, भू धन ऊर्जा भू ऊर्जा। तो जहाँ दीर्घ स्वर दीर्घ संधि में अ आए या छोटी ई आए या उ उल्लू आए, जब इनका प्रयोग किया जाता है तो यह दीर्घ हो जाता है, इनका इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब आता है गुण संधि, गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। गुण संधि जब अ या आ, जब अ या आ के बाद क्रमशः हस्व स्वर दीर्घ ई उ ऋषि स्वर आते हैं तो मिलकर आ ई उ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, अ प्लस ई ठीक है, गुण स्वर में ए का प्रयोग किया जाता है, ए हो जाता है, ए की मात्रा सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, अ प्लस ई ठीक, अ प्लस ई मिलकर ए एडी का हो जाता है, अ प्लस ई ए हो जाएगा। जैसे सूर धन इंद्र, तो र में अ जुड़ा हुआ है और ई में ई जुड़ा है तो ये मिलकर ए बनेगा, यानी एक मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही अ प्लस ई ठीक है ना, अ अनार का और ई का मिलकर भी ए बनते हैं, परम धन ईश्वर। तो यह परम के में अ का प्रयोग किया गया और ईश्वर में बड़ी ई है तो यहाँ ए प्रयोग किया है, मात्रा लगी यानी परमेश्वर प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार ये संधि के पूरे हमारे सामने उदाहरण है, जिसमें अ धन ऋषि तो यह अर आ जाएगा, यानी सप्त ऋषि, तो यहाँ सप्त ऋषि अ और र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताए गए आपके सामने गुण संधि के उदाहरण है। आइए अब पढ़ते हैं ग, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में मात्रा, दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जहाँ डबल मात्रा लगी जाती है वहाँ पर हम वृद्धि संधि माना जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसके बारे में बताया रखा है, अ अनार का,
आम का मेल, ए और ए एडी का और ए एनक का तथा ओ और ओ औ से होने पर औ बनता है, ठीक है ना, बतना नहीं बनता है। जैसे ए प्लस ए हो जाएगा, जिसमें एक प्लस एक बराबर एक एक, तो जहाँ ए है यानी इसमें डबल मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये छोटा होता है जिसमें बताया गया इसमें ए, तो इसमें सिर्फ एक ही मात्रा प्रयोग की जाती है। जब यहाँ पर एक मात्रा लगती है तो यहाँ पर डबल एक एक की मात्रा प्रयोग में ली जाती है। अगला है ए प्लस ए बराबर ए, मत प्लस एक्य यानी मतैक्य प्रयोग में लिया जाता है। आ प्लस ए सदा धन एव सदैव, आ प्लस ओ, ठीक है ना, ओ है तो यह ओ हो जाएगा, महाधन ओ स्तम महोज प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास सामने कुछ उदाहरण है, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए और इसे जितने ज़्यादा ज़्यादा अधिक आप पढ़ेंगे प्रयास करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है यण संधि। अगला हम यण संधि के बारे में पढ़ते हैं। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर ई ई उ और ऋषि का मेल किसी विजाति स्वर से हो तो क्रमशः य व और र हो जाता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जब ई ई उ किसी विजाति स्वर में प्रयोग किया जाता है तब य उनका स्थान में य व र हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम, ई प्लस अ तो इसका य हो जाता है, तो य कैसे लिखेंगे, जैसे अति तो ती है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा प्रयोग में की गई है और अ में अधिक लगा है, तो यह इन दोनों में जब आपस में मिलते हैं तो इसमें विकार, इसमें परिवर्तन उत्पन्न होता है जो आधा त बन जाता है, त के साथ में य प्रयोग में जैसे अत्यधिक पढ़ते हैं, अति धन अधिक यानी अत्यधिक, यह प्रकार संधि बनेगी। ई प्लस आ इसमें या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इति धन आदि इत्यादि, ई प्लस ए तो इसमें ये हो जाएगा प्रति धन एक प्रत्येक, उ प्लस ए वे हो जाएगा अनुधन एसन अन्वेषण, री धन आ बराबर रा हो जाएगा पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा। तो इस प्रकार से हमने यन संधि के बारे में पढ़ा। आइए हम अयादि संधि के बारे में पढ़ते हैं। अयादि संधि ए ए ओ स्वरों का किसी विजाति स्वर से, विजाति यानी अलग जाति के स्वर से होने पर क्रमशः, ठीक है ना, ऐ आय औ और आव हो जाता है, ठीक है, जब इनका प्रयोग किया जाता है ए ए ओ की जगह तो इनके स्थान पर ऐ आय औ और आव हो जाता है, ठीक है, कैसे होता है आइए हम कुछ एग्जाम्पल में जानते हैं। इसमें दे रखा है अ ए प्लस अ बराबर ए, ठीक है ना, तो इसमें ने प्लस अन तो नयन हो जाएगा, तो ए और य मिलकर य का रूप ले लेंगे, तो इसमें ने की जगह ए और य मिलकर य हो जाएगा, तो न य न नयन यानी हमारी होती आँखें। फिर ए एनक का प्लस अ तो इसके आय हो जाएगा, तो ने प्लस अक यानी नायक, जब हम नायक को विखंडित करेंगे तो ने प्लस अ करेंगे तो इसका अर्थ होगा नायक। ओ प्लस अ औ होगा तो पो धन न यानी पावन, पावन का प्रयोग किया जाएगा। ओ प्लस अ आव होगा पो धन अक यानी पावक का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार अयादि संधि में अय आय और औ का स्थान प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड आती है स्वर संधि। स्वर संधि के हमने पांचों संधि के बारे में पढ़ा, उसके उदाहरण देखें। अब स्वर संधि है वो तो हमने कंप्लीट हो गई, उसके बाद आती है संधि का सेकंड पार्ट आता है व्यंजन संधि, यानी व्यंजन संधि इसके संधि के भेद है। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर और व्यंजन दोनों, ठीक है, जो मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अगर परिभाषा के व्यंजन व्यंजन व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हमारे दिमाग में जैसे स्वर संधि की जैसी परिभाषा चलती है
तो ये रोंगे। स्वर और व्यंजन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। दिक् दन गज तो दिग्गज, ठीक है ना, क की जगह क्या आधा ग प्रयोग हो जाता है। वाग धन इस तो वाग की जगह भी ग का प्रयोग किया है वागिस। चलिए आइए हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि के कुछ नियम है कि क की जगह ग क्यों हुआ, ये नियम के अनुसार हम यहाँ जानेंगे। चलिए आइए, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण होता है क कमल का, च चम्मच का, ट टमाटर का, त तराजू का और प पतंग का। तो क च ट त प जो वर्ग है उसमें जितने वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन आते हैं, ये पहले जो वर्ण जहाँ स्टार्ट होता है व्यंजन उनका जो पहला वर्ण है का तीसरे वर्ण, जो तीसरा वर्ण आता है क कमल का, क खरगोश का और ग गणेश का। तो क पहला वर्ण है और ग क्या है तीसरा वर्ण है। तो इसमें बताया पहले वर्ण और तीसरे वर्ण क ज ड द ब में परिवर्तन हो जाता है, जैसे क का ग बनना, ठीक है ना, जब क की जगह हम ग प्रयोग करते हैं। दिक धन अंबर तो दिगंबर, जो क है वह क्या है ग में परिवर्तन हो गया। च का ज में बनना यानी अच धन अंत, तो च की जगह ज में प्रयोग हो गया, ठीक है, तो ये व्यंजन संधि। ट का ड में परिवर्तन होना सट धन आनंद तो सडानंद। त का द बनना जगत धनी जगदीश, त की जगह द प्रयोग हुआ है। प का ब बनना अप धन जा यानी अपच। अब अगली है, वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद न या म हो, ठीक है ना, जो पहले वर्ण है इसके बाद न या म हो तो उस अघोष स्पर्श व्यंजन का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे क का म, क प्लस म का इसमें अन, ठीक है, जो लास्ट में अन आता है, ट और म का ण, वाक धन मय तो इसका वान मय, सट धन मास तो सन मास। तो इसमें क्या है कि जो ट का है ये अंत में लास्ट में जो शब्द है वर्ण उसमें प्रयोग होता है। अब त संबंधी कुछ नियम दे रखे हैं उनके, उन्हें भी हम देखते हैं पढ़ते हैं, व्यंजन संधि के अनुसार ही आते हैं। उत धन चारण, उत धन चारण तो क्या होता है, त का मेल च या छ से होने पर च होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है उत का उच्चारण, उच्चारण तो त की जगह क्या हो जाएगा आधा च लग जाएगा तो उच्चारण हो जाएगा। सत धन जन तो जो त का जो मेल होता है वह ज या झ से होने पर ज हो जाता है, तो सत धन जन सज्जन, तो ये भी आधा त की स्थान पर ज प्रयोग किया जाएगा, सज्जन पढ़ेंगे। तत् धन टीका जहाँ त का मेल ट से या ढ से होने पर ट टमाटर का हो जाता है, तो इसे तत् धन टीका को हम टट्टी का बोलेंगे, तट्टी का। उत धन उड़ियन त का मेल ड या ढ से होने पर ड डमरू का बनता है, तो इसे उड़ियन बोलते हैं, उड डयन। उत धन लास त का मेल ल से होने पर ल ही बनता है तो उल्लास हो जाएगा, ठीक है ना, आधा ल लगेगा और उल्लास, उस उल्लास का महत्व होता है। त का संयोग स से हो तो त का च और स का छ हो जाता है, ठीक है ना, च का स और स का स हो जाता है, जैसे उत धन श्वास, तो जो त दे रखा है तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया च और छ का प्रयोग किया गया, आधा च और आधा छ का प्रयोग होता है तो इसे उच्छ्वास कहते हैं। यहीं पर दे रखा है उत धन श्रृंखला, ठीक है, तो यह त का प्रयोग करके आधा च और छ प्रयोग किया गया है, उच्च श्रृंखला हो गया, तो यह त का संयोग यह नियम है। अगला नियम त का और आ रहा है, यदि त का संयोग ह से हो, यदि त का संयोग ह से हो तो त को द तथा ह को ध से बदल देते हैं, तो इसमें त और द में चेंज परिवर्तन आ जाता है, जैसे दे रखा है उत धनहार, तो यहाँ त दे रखा है तो उसमें क्या हो गया द प्रयोग किया गया है, तो इसमें हो जाएगा उद्धार। तत् धन दीत तो यहाँ पर आधा द का प्रयोग किया जाए तद्धित, तो इसे तद्धित में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यदि म का मेल क से लेकर म तक के किसी भी वर्ण से हो तो म अनुस्वर में बदल जाएगा, ठीक है,
जो हम यहाँ न म का मेल क के केस लेकर क ख ग घ से लगाकर जहाँ तक म खत्म आता है, म वर्ण आता है, तब तक जो भी हम प्रयोग करते हैं वो म ही शब्द में चेंज हो जाएगा। सम धन गति संगति, ठीक है ना, इसे पढ़ते हैं हम जरूर हैं, न पढ़ते हैं कि संगति, लेकिन जब इनका विच्छेद करते हैं तो वो म ही इसे गिना जाता है। सम धन चय संचय, जैसे संचय बोला तो जहाँ न का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वह म आएगा, सम धन चय, ठीक है। इस प्रकार से हमने म का नियम देखा है। आगे बढ़ते हैं, हमारी लास्ट संधि है विसर्ग संधि, तो आइए हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, विसर्ग के साथ, ठीक है ना, विसर्ग के साथ ये दो बिंदु दिख रहे हैं, इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। तो किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उसमें जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अतः धन एव, तो अतएव, यहाँ पर अह दे रखा है, आप स्वर आपने पढ़ा होगा, तो स्वर में अ अनार से चालू होकर अह तक खत्म होता है, अह में जो बिंदु लगते हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। अह धन ए, तो ए प्रयोग में किया जाता है, अत एव। दु या विसर्ग लगा प्लस उपयोग, तो दुरुपयोग प्रयोग किया गया, कैसे किया गया, उ विसर्ग प्लस उ, तो इसमें आधा र और अ प्रयोग में लिया जाता है, तो यहाँ पर दुरुपयोग हो गया। दु विसर्ग लगाए शासन, तो दुशासन, तो जो विसर्ग है या स बन गया, उ या विसर्ग है प्लस स, तो स श, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। नी विसर्ग प्लस छल, तो निश्छल, ठीक है ना, बिना छल से, तो ई प्लस छ, तो च और छ प्रयोग किया जाता है। मन धन बल, तो मनोबल, अ विसर्ग के साथ में अह प्लस ब बराबर ओब, यानी ओब यानी मनोबल। नी धन चय निश्चय, तो ई प्लस च निश्चय, इस प्रकार से हमने विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि स्वर संधि का ही पार्ट है, हमने आज संधि के बारे में पढ़ा है और आपको संधि के स्वर संधि के पांचों भेद बताए हैं, और उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ी है। तो आज के लिए इतना ही है, जो PDF फाइल है, प्रश्न उत्तर की फाइल है, वो मैंने आपको PDF फाइल में सेंड कर दी जाएंगी, और जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको छात्र स्वयं हल करने के लिए कहा गया है, आप उसे स्वयं हल करने का प्रयास कर ले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।